आपातकाल में ये जो सारे मीडिया के लोग हम लोगों को डराते हैं ना, हैं दिन रात छोटी बात में भी हमारे बाल नोच लेने की ताकत रखते हैं, उनका उन दिनों में क्या हाल था, बहुत कम लोग थे जो वाणी स्वातंत्र के लिए, अखबार की आजादी के लिए संघर्ष का रास्ता चुनने के लिए मैदान में आए थे। मैं कहना यह चाहता हूं कि जुल्म की तीव्रता कितनी भयंकर होगी कि जो वाणी स्वातंत्र के लिए जिंदगी खपाने वाला पत्रकार था उसको भी उस हालत में जीना मुश्किल हो गया और उसको झुकना पड़ा। रामनाथ गोयनका जी जैसे, कुलदीप नायर जैसे, स्टेट्समैन अखबार जैसे, ईरानी जी जैसे लोग, वो बड़ी परवाह किए बिना मैदान में उतर आए थे और वे लोग आज भी वैचारिक रूप से कोई हमारे साथ नहीं है। वो आज भी अगर कुलदीप नायर जी को मिलोगे तो हमारी भरपूर आलोचना करते हैं, लेकिन लोकतंत्र के लिए वो लड़ाई लड़े थे और मैं उनको सैल्यूट करता हूं।